हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट या फिर क्रेटा सेल्टॉस वाला सेगमेंट, एक महीने में 20,000 से ज़्यादा गाड़ियां बिकती हैं इस सेगमेंट में, लेकिन फिर भी इस सेगमेंट से अभी तक मारुति सुजुकी नदारद थी। लेकिन अब वो तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि कंपनी टोयोटा के साथ मिलकर एक मिड साइज एसयूवी डेवलप कर रहे हैं। जानना चाहते हैं इसके बारे में सारी डिटेल, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। टोयोटा ने आज ही हाई राइडर को टीज कर दिया है और इसका अनवील 1 जुलाई को होने वाला है। हाँ, मारुति की एसयूवी कब तक आएगी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। टोयोटा अपनी मिड साइज एसयूवी को बनाएंगे बिडारी प्लांट में और इसकी कीमत शुरुआत में तो काफी कॉम्पिटिटिव रहने की उम्मीद है। तो मिड साइज एसयूवी कार बायर्स के लिए ऑप्शंस काफी बढ़ने वाले हैं। तो अब हम सब ये जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल ये गाड़ियां दिखेंगी कैसी। जो जानकारी हमारे पास अभी तक है उसके मुताबिक ये एसयूवी मारुति के ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिस पर फिलहाल मिलने वाली विटारा ब्रेजा, सियाज और इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हुई नई एस क्रॉस बेस्ड है। जैसा हमने रिसेंटली देखा है, दोनों कार्स डिफरेंट स्टाइलिंग के साथ आएंगी और ये फर्क खास करके फ्रंट ग्रिल डिजाइन में दिखेगा। अब तक तो इनके काफी सारे स्पाइस शॉट्स देखने को मिल चुके हैं, तो साफ पता लग रहा है कि मारुति की एसयूवी का हनीकॉम्ब मेश स्टाइल ग्रिल होगा और सुजुकी का लोगो बीच में बैठेगा। बाकी दोनों तरफ एलईडी डीआरएल स्ट्रिप्स मिलती हैं और हेडलैम्प्स का मेन यूनिट थोड़ा नीचे बैठेगा। वहीं टोयोटा की एसयूवी हाई राइडर कंपनी के डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करते हुए एक क्लीन ग्रिल के साथ आएगी। डीआरएल्स कनेक्टेड होंगे, उसके नीचे हेडलैम्प्स मिलेंगे। इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल से एसयूवी का लुक भी काफी निखर कर आता है। स्क्वेयर्ड व्हील आर्चेस हैं और ओवरऑल साइड से काफी मस्कुलर लगती है। टीजर देखकर लगता है कि रियर में टेल लैंप्स काफी अट्रैक्टिव होंगे। हमारे सोर्सेज ने हमें बताया है कि गाड़ियों के डेवलपमेंट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया है। इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि दोनों गाड़ियों को अलग लुक मिले। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि Hyundai Creta, Kia Seltos या फिर Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun, यानी कि DNA भले ही सेम हो, दोनों के लुक्स डिफरेंशिएटेड होने चाहिए। इंजन की बात करूं तो दो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिलने की उम्मीद है। पहला हो सकता है मारुति का 1.5 लीटर डुअल जेट इंजन, जिसके साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक मिलेगा। लेकिन दूसरा इंजन एक प्रॉपर हाइब्रिड पावर ट्रेन हो सकता है, जो आपको देगा ज्यादा पावर और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी। और इस मामले में, क्योंकि हाइब्रिड के मामले में टोयोटा कई सालों से जाना जाता रहा है, लीड भी टोयोटा ही ले रहा है। अब कीमतें कम रहें इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने इंडियन वेंडर्स पर रिलाई करने वाली हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल पार्ट्स टोयोटा के वेंडर्स सप्लाई करेंगे और बाकी पार्ट्स पर मारुति के वेंडर्स पर रिलाई किया जाएगा। फीचर्स आजकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इस सेगमेंट में तो फीचर्स की इम्पॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा ही है। और हमने बलेनो के साथ देख लिया कि मारुति भी आजकल फोकस कर रही है फीचर्स पर, तो उम्मीद करिए कि इन गाड़ियों में भी आपको ढेर सारे फीचर्स मिलेंगे। सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक, टच स्क्रीन, दो से ज़्यादा एयरबैग्स का ऑप्शन। ये फीचर्स के अलावा आपको कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो हम तो काफ़ी एक्साइटेड हैं इन गाड़ियों को लेकर। आई होप आप भी होंगे और होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल इंडस्ट्री के दो ग्लोबल जायंट्स साथ मिलकर पूरी ताकत लगाकर एक फीचर लोडेड कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्साइटमेंट तो बनता है। और कहीं आप अगर मिड साइज एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए तो ऑप्शंस बढ़ने ही वाले हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू व्हाट कार इंडिया और वो बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सारे अपलोड्स की जानकारी आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।